टेट टॉक जिस तरह होता है उसी तरह इंडियन वर्जन इज इंक टॉक एंड आई एम ए फेलो ऑफ 2012 थाउजेंड ट्वेल्व तो टू थाउजेंड थर्टीन में मेरी पहली बुक आई थी होम स्ट्रीट होम के नाम से और जब वो बुक आई तो इंक इंक टॉक में आ, मैंने उनको बताया कि यह बुक आई है तो इंक टॉक ने मुझे काफ़ी सारे जगहों पर ले करके के गए अपने बुक को आ, बारे में बताने के लिए और प्लस वो बुक बेचने के लिए तो उनमें से एक था लक्ष्मी मैम मुझे फिरोज भाई के ऑफिस ले करके गए एस ए पी लैब में और मैंने वहाँ पे टॉक दिया और मेरे पास दस किताबें मैं अपने साथ ले करके गया था तो मैंने लक्ष्मी मैम को बोला कि एक बार फिरोज भाई से पूछो ना कि ये बुक ख़रीद ले तो उन्होंने जा कर के पूछा कि विक्की अपने साथ दस बुक ले कर के आया है तो ये कि मैं तो सौ बुक खरीद के अपने एम्प्लॉय को बांटूँगा तो ही बॉट माई हंड्रेड बुक्स एंड आई एम सुपर हैप्पी कि सो दैट इज़ द कन्वर्सेशन उसके बाद मैं फ़िरोज भाई के साथ टच में नहीं था बट

तो टॉक ख़त्म होने के बाद मैंने फिरोज भाई को फिरोज भाई का मैं व्हाट्सअप में मैसेज आया एंड देन फिरोज भाई ने वीडियो कॉल किया मुझे कि बहुत बढ़िया तो मैंने कहा फिरोज भाई मैं पैसे देकर तो आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं बट मैं अपने फोटोग्राफी के थ्रू सपोर्ट कर सकता हूँ आपको तो ही सेट कि मेरे दिमाग में भी कुछ है बट तू बता तेरे दिमाग में क्या है तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा एंड देन फिरोज भाई सैड कि मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है तो हमने डिस्कस किया एंड देन वी कम अप विद द आइडिया फ़िरोज भाई सैड कि देखो हम कोविड के वजह से हर साल इंडिया इंक्लूजन सबमिट करते हैं एंड सभी को हम बेंगलौर बुलाते हैं तो इज इट पॉसिबल कि अगर हम सभी को बैंगलोर नहीं बुला पा रहे तो हम उनके घर चले जाते हैं एंड हम वहाँ से स्टोरी लेकर के आते हैं सो दैट्स हाउ स्टार्ट सो लाइक ए जैसे ह्यूमन ऑफ बॉम्बे है ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क है तो उसी तरीके से हमने इस्टार्ट किया एवरी वन इज़ गुड एट सम तो मैं पहला मैं कश्मीर जाकर के तारक भाई का सूट किया था तारक भाई यहीं कहीं पर है और देन उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग इस्टार्ट हो गया तो मैं गुवाहाटी गया और मैं गोविंदा मजूमदार की स्टोरी आपको बताना चाहता हूं तो गो, गोविंदा को दिखाई नहीं देता है बोल नहीं पाता है आ, सुन नहीं पाता है तो मेरे पास साथ एक इंटरप्रेटर गया था एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं जैसे ही पहुंचा तो उसने पहले छू करके बताया कैमरा उमरा टच किया कि ये फ़ोटोग्राफ़र है और ये एक्सप्लेन करेगा तो इस साइड की कहाँ से आ रहे हो तो वी साइड की हम दो किलोमीटर पीछे गाड़ी पार्क किए बिकॉज गाड़ी यहाँ तक आ नहीं सकती थी तो हम वॉक करके आए हैं तो वो हमारे ऊपर गुस्सा होने लगा कि आप लोग उस रास्ते से क्यों आए आपको लोग को इस रास्ते से आना चाहिए था तो उनको अब दिखाई नहीं देता है सुन नहीं पाता बट एग्जैक्ट पता है कि कहाँ से रास्ता जाता है और कहाँ से आता है सो so देन उसके बाद आ, मैं उनका फ़ोटो खींचना चालू किया पूछा उनसे कि क्या करते हैं तो वो लाइक ये रस्सी खुद बनाते हैं एंड खुद ही बाज़ार में जा कर के इसको बेच करके आते हैं ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये इसने खुद बनाया है तो और खुद बना करके लगाया है और uh, फिर मुझे वो अपने खेत पे ले करके गया तो उनके खेत करीब हाफ किलोमीटर दूर है तो उसको एग्जैक्ट पता था कि कहाँ पे उनका खेत है और कहाँ पे उन्होंने काम छोड़ा था लास्ट और अब कहाँ से काम उसको स्टार्ट करना है तो ही स्टार्टिंग uh, स्विंग में एवरी थिंग एंड उसके बाद वो घर वापस आके उनको लगा कि हम थक गए तो वो नारियल के पेड़ पर पे चढ़ के हमारे लिए नारियल तोड़ने लगा तो मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि यार गिर गया तो ये सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगा सो इसकेट बट वो हमारे लिए नारियल तोड़ करके ले करके आया और फिर वो सेविंग करने बैठा तो मैंने उनसे ट्रांसलेटर से पूछा कि आ, इनको तो दिखाई नहीं देता ये चश्मा क्यों शीशा क्यों पकड़ रखा है तो इस हेड कि इनको ट्रेनिंग में बताया गया है कि जब सेविंग करते हैं तो सामने शीशा लगा हुआ होता है सो दैट्स वाई वो सेविंग करते समय शीशा पकड़ते हैं उसके बाद जब मैं वापस जा रहा था तो Uh, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया अपने ट्रांसलेटर के थ्रू कि ना मेरे छोटे भाई की शादी हो गई है उसके दो बच्चे भी हैं मेरी शादी नहीं हो रही मुझे लड़की नहीं मिल रहा है तो कि कोई अगर मुझे थोड़ा मदद कर दे और uh, मैं एक परचून का दुकान खोलना चाहता हूँ तो मैं दुकान खोलूँगा तो मुझे लड़की मिल जाएगी शादी के लिए तो मैंने कोशिश किया था कि इसकी स्टोरी जब पब्लिश होगी और मे भी कोई सामने आएगा तो मैं इनकी कुछ सपोर्ट कर पाऊँगा बट कर नहीं पाया बट एनी हाउ हम आगे बढ़ते हैं ये uh, हम yeah, मैंने डूरिंग दिस जर्नी मैंने uh, जो फोटो शूट किया है तो उनमें से कुछ कोट uh, जो इन लोगों ने कहा है मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े बट साथ साथ में uh, हम क्या कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे तो ये हम सेकेंड अप्रैल को हमने ये ई का कैंपेन लॉन्च किया था वर्ल्डिज़म डे पे और हमने अभी तक टोटल 89 नाइन स्टोरी शूट uh, किए हैं बाईस स्टेट सिक्स यूनियन टेरेटरी एंड फाइव लैंग्वेज के साथ थैंक uh, यू सो ड्यूरिंग द कोविड में जब आ, मतलब इनके घर जाता था तो मुझे एक बहुत डर लगता था कि यार आ, मेरे वजह से अगर क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे वजह से अगर किसी को कोविड हो गया तो मुझे हमेशा वो आ, गिल्ट रहेगा तो मुझे वो बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे वजह से तो जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन थे वो मैं सारा अप्लाई करता था अपने ऊपर ताकि मेरे वजह से किसी को कुछ दिक्कत ना हो बट आप बिलीव नहीं करोगे मैं कहीं पे भी जाता था तो वो लोग लो मेरे लिए होटल बुक कर देते थे या वो बोलते थे कि आप मेरे घर पे आकर के रुक जाओ तो कभी आ, जैसे मैं कोलकाता गया था तो सुमिता ने मुझे बोला कि तुम होटल में क्यों रुकोगे तुम आकर के हमारे घर में रुको एंड दे आर लाइक ए वेरी वेलकमिंग लाइक ए खाने से लेके हर चीज़ का ध्यान रखते थे बेटे की तरह एकदम रखा सो थैंक यू सो मच सोमिता उसके बाद आ, सो so, मुझे इसके बाद मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई जैसे मुझे नहीं पता था कि देर इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट देर इज़ 21 टाइप ऑफ डिसबिलिटी सो टोटल 21 तरह की डिसिबलिटी है ये मुझे काम करते करते uh, पता चला और अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में 18 टाइप की डिसबलिटी कवर किए हैं और uh, अभी तीन बचे हुए हैं तो हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं दो साल ख़त्म होते होते अप्रैल से पहले वो मैं कंप्लीट कर लूँ सो so, उसके बाद जैसे आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो प्लीज़ विजिट आर वेबसाइट कॉल एवरी वन इज़ गुड एट समथिंग तो आप देखोगे हमारे वेबसाइट में कोई लाइक बटन नहीं है और हमने स्टार्टिंग में जो हमारी अब पहले जब हम स्टार्ट किए थे छोटी टीम थी अभी हमारी 25 लोगों की टीम है बिकॉज इसमें बहुत सारे साइन वो लैंग्वेज है अलग अलग चीज़ें हैं टेक टीम है तो हमने वेबसाइट में लाइक बटन नहीं रखा है कि हमने सोचा कि हाँ लोगों को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि किसकी स्टोरी अच्छी है और किसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो दैट्स वाई वेबसाइट में कोई लाइक बटन नहीं है सो ऑल स्टोरी इज़ गुड फॉर अस सो मैं अब थैंक यू Uh, कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ so, रोजी निशा और मैंने झारखंड में ये स्टोरी शूट किया था और मैंने रोजी का जब स्टोरी शूट करके जब हमारे वेबसाइट में ये पब्लिश हुआ तो समन कोल अस एन द कि हमने रोजी का स्टोरी पढ़ा और हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो रोजी के फैमिली जो है उनके फादर को भी दिखाई नहीं देता है ब्रदर एक आँख से देख पाता है एक से नहीं देख पाता है और मम्मी भी सीधे चल नहीं पाती है तो ये एक छोटा सा दुकान चलाते थे किसी ने इनकी स्टोरी पढ़ी और मुझे थोड़े से पैसे दिए कि आप उनको दीजिए ताकि वो दुकान में और सामान डाल के अच्छे से चला सके तो मैंने जिन्होंने मुझे पैसा दिया था मैं फिर उनको दिया और फिर उन्होंने घर पर अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर लिया एंड उनकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ गई है तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट दिस थिंग इज़ हैपनिंग नाउ सो दिस इज़ अ लाइक ए मोवमेंट फिरोज भाई वट सेंग सो ये मैं सोमनाथ मंडल का ये फ़ोटो कैलकाटा में आ, शूट किया था एंड लोकोमोटो डिसेबिलिटी एंड सुंदरबन थोड़ा काफ़ी रूलर है तो वहाँ पे चीज़ें पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो समवन रीड सोमनाथ स्टोरी और उनको एक बाईसाइकिल व्हील चेयर की ज़रूरत थी एंड किसी ने उनको व्हील चेयर भेज दिया वो पढ़ करके उन्होंने लाइक like, मुझे भी कॉन्टेक्ट नहीं किया दे सेंड टू देम डायरेक्ट उसके बाद कविता का मैंने ये स्टोरी शूट किया था वेस्ट बंगाल में एंड देन कविता का भी स्टोरी पढ़ करके उसको भी ये व्हील चेयर उन्होंने भेज दिया बिकॉज स्टोरी एक वीक के बाद आता है एक वीक के बाद दूसरे वीक सो so, इस वेबसाइट में हमने 50 50 का रेसो रखा है वन वीक मेल स्टोरी वन वीक फीमेल स्टोरी सो so, एक हफ्ते बाद, -बाद आता है इस तरीके से स्टोरी आशीष बेहरा ये उड़ीसा में मैंने शूट किया था एंड समन रीड हिज स्टोरी और इनको एक व्हील चेयर की ज़रूरत थी तो किसी ने मुझे पैसा भेजा फिर मैंने अपने एक वॉल्टियर फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि वो उनको वो व्हील चेयर ख़रीद के पहुँचा दे तो देन आसिस गेट द व्हील चेयर यह फ़ातिमा केरा है और मैंने नागालैंड में इनकी स्टोरी शूट की थी और आ, इनके पाँव छोटे बड़े हैं तो ये हाथ वाली मशीन से सिल के पुराने कपड़े सिल के गुजारा करती है तो किसी ने इनकी स्टोरी पढ़ी और आ, Uh, बोला कि उनको वो इलेक्ट्रिक मशीन हाथ वाला देना चाहता है तो मैंने उनको डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया एंड सी गोट द इलेक्ट्रिक मशीन कश्मीर में मैंने आमिर हुसैन का ये स्टोरी शूट किया था तो आमिर हुसैन को जब मैं शूट करने जा रहा था तो बिकॉज uh, ये जिस तरह के फैमिली से आता है जिस तरीके का कंडीशन है वहाँ पे ही ऑलवेज रिक्वायर्ड बॉल इसके दोनों हाथ नहीं है बट ये पाँव से बॉलिंग कराता है और ऐसे कंधे पे बैट फंसा करके बैटिंग करता है तो इन्होंने बोला कि आ, विक्की भाई आप दिल्ली से आ रहे हो तो मुझे दो दर्जन लेदर के बॉल ला दीजिएगा तो मैं ख़रीदने के लिए गया मुझे लगा कि दो तीन हज़ार में आ जाएगा एंड आई फाउंड कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो मैंने फिरोज भाई को कॉल किया कि आ, फिरोज भाई आ, वो आमिर ने बोला है कि बोल ला देने के लिए तो ही टेक इट एंड विक्की भाई आप जाते हो लोकेशन पे तो आपको पता है कि व्हाट दे रिक्वायर्ड तो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बताया मुझे फ़िरोज भाई ने कि इतने तक अगर किसी को जरूरत होता है तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है पूछने की ज़रूरत नहीं है यू ऑन द स्पॉट सपोर्ट देम तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फिरोज भाई ने मुझे दे रखा है कि आप सूट पर जाते हो तो यू डिसाइड कि उनको क्या चाहिए आप दे दो इतने अमाउंट तक छोटरे uh, का स्टोरी uh, छोटरे uh, का मैंने उड़ीसा में ये स्टोरी शूट किया था और मैंने बोला कि तुम 18 साल के हो गए हो अब क्या करोगे तो ही सेड कि uh, मैं एक दुकान खोलूंगा यहाँ पे तो आई सेड कि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ uh, तुम दुकान खोल लो सो आफ्टर सम टाइम फ्यू डेज लेटर ही कॉल मी कि भैया मैं दुकान खोलूँगा तो मेरे घर वाले सारा सामान uh, खा जाएंगे तो मैं साइकिल मैकेनिक का काम सीखना चाहता हूँ सो देन आई सेंड माई वन वॉलेंटियर फ्रेंड कि उसके लिए एक दुकान ढूंढ दो और उसको कहीं पे काम सीखने पे लगा दो तो वेंट एंड इसके लिए मार्केट में एक दुकान पे बात करके इसको एक दुकान पे काम सीखने के लिए लगा दिया है तो एक ऑटो वाले से बात करके इसको हर दिन ले जाने ले आने के लिए लगा दिया है तो जब ये ट्रेंड हो जाएगा तो मैं इसके लिए वो साइकिल की दुकान खोल खुलवा दूँगा काजल मिश्रा लोकोमेटेड डिसेबिलिटी और इनको ये दिल्ली में रहती है और ये एक ट्रेनिंग कर रही थी और इसको थ्री फोर मंथ का सपोर्ट चाहिए था दिल्ली में रहने के लिए सो वी सपोर्ट हिम फोर मंथ उसके ट्रेनिंग के लिए और रिंजिंग तामचो uh, ये uh, लद्दाख की स्टोरी है तो इनको कंपाउंड बो चाहिए था और वो भी प्रोफेशनल वाला है बिकॉज वो ये चीज़ करता है तो किसी ने इनका, इनका स्टोरी पढ़ के फिरोज भाई ने लिंकड में शेयर किया था एंड सम रीड हिज स्टोरी इन यू एस एंड सम सेंड थाउजेंड डॉलर टू हिम टू बाई दैट बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वो करीब दो ढाई लाख रुपए का आता है तो वी स्टिल ट्राई टू कलेक्ट द लेफ्ट अमाउंट एंड जब भी हमारे पास आ जाएगा वो बाकी बचे इनके लिए हज़ार डॉलर है हमारे पास तो जब वो बाकी आ जाएगा तो हम इनके लिए वो भी खरीद के इनको देंगे और थैंक यू और इनको हमने ये स्टैंड चाहिए था इन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया इन्होंने कहीं से मेरे बारे में सुना था कि मैं फ़ोटो खींचने के लिए आता हूँ और कभी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वी प्रोवाइड तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो आई प्रोवाइड हिम डायरेक्ट रिसेंट स्टोरी रोमन जो फिरोज भाई ने uh, कल शेयर किया कि अपने घर से इसको uh, काफ़ी दूर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है और इसको एक लैपटॉप की ज़रूरत थी तो समन रीड हिज स्टोरी इन द इन द वेबसाइट एंड कॉल फिरोज भाई कि ही वांट टू सपोर्ट हिम एंड नेक्स्ट डे उनको ये लैपटॉप उन्होंने भिजवा दिया एंड दिस इज पौडीचोरी पौंडीचेरी का इस्टो, uh, स्टोरी है ये